नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्विक रिवीजन के जो वीडियोस हैं वो मैं जल्दी से अपलोड करूंगा, तो आज मैथ सेकंड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि बेसिक कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है और कौन सी चीजें, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान से कर लेना है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप इजीली कर लें। वैसे मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरे पूरे वीडियोज देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आएगी। और एक बार मैं यहां से आपको जो हिंट दे दूंगा वो आपको डेफिनेटली काम में आएगी, उसमें आप मतलब अच्छा ही करने वाले हो, कमाल करने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, मुझे कमेंट्स आने लगे हैं, बच्चे थोड़े डिप्रेस हो रहे हैं, थोड़े निगेटिव फील कर रहे हैं, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, स्पेशली मैथमेटिक्स 2 को लेकर। देखिए, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं और जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मेरा एक ही कहना है कि आपका जो दिमाग है वो आपको चलाता है या आप दिमाग को चलाते हो। मैक्सिमम लोगों के केस में ये होता है कि दिमाग ही जो है वो हमें चलाता है, मतलब हमारा दिमाग हमें बोलता है कि हमें याद नहीं हो रहा है, जबकि आपको डिसाइड करना चाहिए, आपके दिमाग को आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, मेरी कुछ बातें आपको शायद बुरी लगे, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक निगेटिव फील हम खुद ही जनरेट करते हैं, परेशानी हम खुद ही पैदा करते हैं। हमारे मन में फीलिंग वो कब आता है, जब हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं होती है। तो उसके लिए अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर लें तो हमारा एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि हमने पढ़ाई की है, और वो अगर आप सोचते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो प्लीज आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स सेकंड जो है वो डिफिकल्ट है, या सर्कल टॉपिक डिफिकल्ट है, या सिमिलरिटी टॉपिक डिफिकल्ट है। कोई सा भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, आपने अगर उसे पूरा मतलब न्याय दिया है, पूरा आपने उसको ईमानदारी से उसको पढ़ा है, ठीक है। और मैं तो गारंटी देता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल पर जो मेरे वीडियोस हैं वो अगर ध्यान से पूरे वीडियोस देखे हैं तो उनका एक मार्क भी कट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर मैथमेटिक्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आपके वीडियोस देखने के बाद में मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, मुझे और क्या चाहिए। जो मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि मेकिंग मैथमेटिक्स सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, बस वही मेरा उद्देश्य है। चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं करता, अपने टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज सिमिलैरिटी। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या क्या मेन टॉपिक है, पहला ही टॉपिक देके रखा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें को निकालना है। तो भैया, एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो पहले ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, अपॉन में दूसरे ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, और वहां पर आपको रेशियो निकालते आ जाएगा। उसी पर बेस आपको फार्मूला देके रखा है। उसमें दो कंडीशन है कि बेस सेम हो तो एक कंडीशन, और हाइट सेम हो तो एक कंडीशन। तो दो कंडीशंस हैं, सिंपल सी दो कंडीशन पे बेस्ड आपको डायग्राम आ सकते हैं, और उस डायग्राम पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां तो हम पहुंचेंगे। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी करना है, या थेल्स थ्योरम जिसको हम कहते हैं, वहां पर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देके रखे हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल देके रखा है, और प्रॉपर्टीज ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल देके रखा है। उसके ऊपर हमको एक थ्योरम भी देके रखा है, ठीक है। और द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ द ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो थ्री पैरेलल लाइंस, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले किया है नाइन्थ में, कि थ्री पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो रेशियो है दो, अगर वहां पर हम दो ट्रांसवर्सल खींच ले तो पहले के ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट बनाएगा उनका रेशियो, और दूसरा ट्रांसवर्सल जो इंटरसेप्ट बनाएगा उनका रेशियो इक्वल आएगा। तो ये तो हमने पढ़ा है। चलिए आगे हम आते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला एग्जांपल देके रखा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल पर बेस। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये मेन फार्मूला है, दैट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें फिर कंडीशन आ जाएगी कि अगर दोनों का H सेम हो जाए तो उनका रेशियो भैया उनके बेसिस के, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और अगर बेस सेम है तो वहां पर उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर ही बेस ये एक्टिविटी देके रखी है। अब देखिए, ये जो एक्टिविटी अगर आपको पूछते हैं तो ये आपको सिंपली दो मार्क्स पे पूछेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। और अगर इसमें एक दो फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिए उन्होंने तो फिर वन मार्क में वो आ जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपको दो मार्क में पूछेंगे। फ्री के मार्क्स है भैया, लूट लो, कुछ भी मत छोड़ो,
क्योंकि ये इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ है कि यहां पर आपको क्या है। अभी जैसे पहला ही एक्टिविटी आप देखें तो यहां के आपको एरिया ऑफ पीक एबीसी और एरिया ऑफ एपीक्यू दिया है, यहां आपको बेस और हाइट लिखना है और जो सेम होगा काट देना है। अब इस केस में हमको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर हाइट सेम आने वाली है तो इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसी पर बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में, क्या मैं तो ये कहता हूं कि हमारी मैथ्स और मैथ्स टू में जितने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बुक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बुक में से बाहर से बोले तो वहां पर नंबर बदल देते हैं, डायग्राम बदल देते हैं, वो बुक के सिलेबस पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो हमारे उसकी हम बात करें हॉट्स की, तो वो भी कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट आने नहीं वाला है, ठीक है। आगे मैं आता हूं, ये देखिए ये भी एक एक्टिविटी देखे रखिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी, इस पर बेस्ड अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आपको पूछेंगे, क्योंकि यहां पर 3 का रेशियो आपको निकालना है और ये आ भी सकता है क्वेश्चन, है ना, है सिंपल, आप अच्छे से कीजिए इसको, ठीक। और वहां पर आपको इस तरह से लिखना है साइड में कि इक्वल हाइट हो तो ये कंडीशन होगी, इक्वल बेस हो तो ये कंडीशन होगी, और रिमेंबर दिस के ये जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्क में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टीचर कैसे पूछते हैं, वो आपको एमसीक्यू बना के दे दे इसका, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। प्रैक्टिस सेट 1.1 अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 2 मार्क में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, ठीक है, आपको उनके एरियाज का रेशियो निकालना है, तो सिंपली ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड थर्ड, मतलब हालांकि इसको अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हमें कुछ छोड़ना चाहिए, सबके सब हम कर सकते हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसा नहीं है। और सिंपल क्वेश्चन देखे तो ये कितना सिंपल है, यहां पर बेस सेम है, ठीक है। यहां पर आप देखे तो यहां पर अगर अलग अलग, ये तो अलग अलग है यहां पर, जहां पर हाइट सेम है, यहां देखिए यहां हाइट सेम आ जाएगी, यहां पर बेस सेम आ जाएंगे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन से कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहली एक्सरसाइज कुल मिला के सिंपल है, जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है। अगली एक्सरसाइज जो है वो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड है। अब बीपीटी तो आपको भैया पता होना चाहिए, बीपीटी आपको प्रूव करते आना चाहिए, आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उस केस में आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तो आपको स्टेटमेंट भी याद करना है, स्टेटमेंट आपको पता हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया राइट द थेल्स थ्योरम तो ये भी 1 मार्क में आएगा। बात एक ही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही है, आप ये मत सोचिए दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। थ्योरम ये आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटी देख रखिए, ये आपको 1 से 2 मार्क में पूछेंगे, तो आपको कुछ भी मत छोड़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे, एक तो आपको प्रॉपर्टी पर आपको प्रूफ करने को आ सकता है, या फिर इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, प्रूफ के अलावा यहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहां पर अगली जो कंडीशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चन ट्रेपेजियम में काम में आएंगे, या इस तरह की कंडीशंस आपको दे देंगे, हालांकि इसके ऊपर बेस को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर बेस, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। आगे मैं आता हूं, ये तो रिमेंबर इसके सारे पॉइंट है, मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा छूटा हुआ है, ठीक है। यहां देखिए आगे ये एग्जाम्पल जो देके रखा है बिल्कुल कीजिए, ये फ्री के मार्क्स वाला एग्जाम्पल है, सीधे वैल्यू पुट करना है और आपको उसको सॉल्व करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको बेस या हाइट वो पूछ सकते हैं वो आएगा, तो आपको वो अच्छे से कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे मैं आता हूं, ये देखिए जो हमने 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल की बात की, ये सीधे सीधे 2 मार्क की एक्टिविटी है, तो इसको तो कर ही लीजिए, मतलब एक्टिविटी जितनी टेक्स्ट बुक में दी है, मैंने हर चैप्टर में कहा है कि सारी एक्टिविटी आपको करना है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, सारी एक्टिविटी जो जो आपको देके रखी सारी कीजिए। अब देखिए यहां पर ये कितने सिंपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मतलब आपको सिर्फ बताना है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये अगला वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये सारे 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्वेश्चन 3, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स देने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोगों को छोटी छोटी बात की कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, फ्री के मार्क्स है, ठीक है, इनको अच्छे से कीजिए, ओके। थर्ड है, फोर्थ है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, 5-5, 7-7 क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए इसमें ये जो पैरेलल लाइन वाला है क्वेश्चन जिसमें एक्स निकालना है, ये आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं। ये जो ऊपर का क्वेश्चन है, ये 5th वाला 6th वाला, ये भी आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं, ये सब 2-2 मार्क के है, ये 2 मार्क का है, ठीक है, 2 से 3 मार्क को, डिपेंड करता है कि कैसे आपको बना के देते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये 2 मार्क में ही आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये भी 2 मार्क में आएगा। हाँ, ये जो 9th क्वेश्चन है, ये आपको 3 से 4 मार्क में आ सकता है इस टाइप का, वो अगर कन्वर्ट कर दे इसको तो, और इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है,
इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा, और दसवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्टिविटी के फॉर्म में है और इसको करना ही है, आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कोई भरोसा नहीं एक्टिविटी में ऐसा कैसा आपको उठा के दे दे। आगे हम आते हैं, आगे हमें सिमिलर ट्रायंगल का टॉपिक जो देके रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे टेस्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूजन है कि सर इसमें ये नहीं होता वो नहीं होता, जो दिया है मैंने सिमिलर ट्रायंगल के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए दो बार वीडियो डाले हैं, जब हमारा सिलेबस आया नहीं था, जब हमारी बुक्स नहीं आई थी उस समय भी मैंने टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दिया था, तो उस समय भी आपने किया होगा अगर आप रेगुलर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो, ठीक है अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए क्योंकि ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल से टेस्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एंगल एंगल टेस्ट है, उसके बाद में जो जो पूरे के पूरे है जिसे हम एंगल 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 सिमिलरिटी बोले या एंगल एंगल सिमिलरिटी बोले या साइड एंगल साइड बोले या साइड 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 बोले, सारे के सारे टेस्ट कर लीजिए, कुछ भी मत छोड़िए और इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको एक अननोन साइड देके रखी होगी या तो आपको दो ट्राइंगल देके रखे होंगे, यहां पर जैसे साइड देके रखे पूछ रहे कि यहां पर ये दोनों के दोनों सिमिलर है क्या, तो ये सब सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। और इसमें ये देखिए ये वाली एक्टिविटी, फोर्थ वाली एक्टिविटी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है ये, हालांकि वन मार्क में नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा तो दो मार्क में ही पूछेगा, तो दो मार्क के हिसाब से आप इसको कर लीजिए, छोड़िए बिल्कुल भी मत, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज आपको छोड़ना है कौन सी नहीं करना है, हालांकि मैं तो सभी बता रहा हूं आपको सभी चीजें करने के लिए, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं कि आपको करना है ये छोड़ना मत, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको दो मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछता है वो, आर द ट्राइंगल सिमिलर, यहाँ पर आर द ट्राइंगल इन द फिगर आर सिमिलर एंड इफ यस बाय विच टेस्ट, तो ये दो मार्क में हो गया, ये दो से तीन मार्क में हो गया। आप टेस्ट को, आपको टेस्ट भी बताना है ना कौन से इससे है, या एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दिखने में तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको सीधे सीधे वहां पर लिख देना है, ठीक है, वैल्यूज निकालनी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिए। और इसमें स्पेशली ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको कीजिए क्योंकि ये पूछा गया है, लास्ट वाला और ये सेवंथ वाला क्वेश्चन, ये दो से तीन बार पहले भी पूछा गया है, ये सब जो मतलब क्वेश्चन फाइव से लेके जो है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवंथ क्वेश्चन जो है, उसके बाद में जो नाइन्थ क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, तो इनको छोड़िए मत। और फिर आता है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको तो भैया आपको करना ही है क्योंकि इसके ऊपर आपको देखिए, इसके ऊपर या तो आपको थ्योरम पूछेंगे या इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का है, पक्का क्वेश्चन आपको आएगा, तो वो आपको करते आना चाहिए। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दो मार्क एक मार्क में पूछेंगे, ये देखिए अगर आप प्रैक्टिस सेट देखिए 1.4 तो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, तो ये सारे के सारे आप कर सकते हैं, ठीक, इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर बच्चे ये स्क्वायर लगाते हैं और बाद में स्क्वायर के बाद में यहाँ गलतियां कर देते हैं, कुछ तो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो गलती मत कीजिए, वैसी गलती मत कीजिए। क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 ये अपने आप में बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोड़िए मत। सेवंथ वाला तो एक्टिविटी में अगर ये आता है तो 3 से 4 मार्क में आएगा, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर में आप अगर आपके मन में सवाल हो कि सर बाहर से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बाहर से क्वेश्चन जैसे इसने एक्टिविटी देके रखी है, ऐसी कैसी एक्टिविटी वो दूसरे ट्राइंगल के लिए दे सकता है, कुछ और बना के दे सकता है, तो 3 से 4 मार्क में वो क्वेश्चन जो बाहर से आने वाला है अगर इस टॉपिक से आता है तो एक तो वो इसके ऊपर बेस्ड आएगा या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर आएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं प्रॉब्लम सेट पर, प्रॉब्लम सेट पर जो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है, आप देखें कि प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू दिए गए हैं, तो सारे एमसीक्यू अच्छे से कीजिए क्योंकि एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, यहां 5 एमसीक्यू देके रखे। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें 3 चीजें पूछी है, अगर ऐसा क्वेश्चन 2 पूछता है तो 2 मार्क में होगा, 3 पूछेगा तो 3 मार्क में होगा, 4 पूछेगा तो 4 मार्क में होगा। और ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कीजिए छोड़िए मत, वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं क्योंकि यहां पर डायग्राम दिए नहीं है, आपको डायग्राम आपको रफ फिगर बनाना है ऐसे केसेस में, छोड़ना नहीं है। और रफ फिगर बनाते समय जैसे 2:3 देके रखा तो दूसरा वाला ट्राइंगल बड़ा ही बनाइएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल मत छोड़िएगा, 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आगे जो आते हैं हम, ये जो यहां पर क्वेश्चन देखे रखे, ये 8वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपके मन में सवाल होगा। सेवंथ वाले की पहले बात करें, सेवंथ वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और अगर वो पूछते हैं तो मतलब अगर आपको बताओ मैं सेवंथ और एट्थ की अगर बात करें तो सेवंथ एट्थ में सेवंथ वाले को ज्यादा प्रेफरेंस है आने का, एट्थ वाला बहुत बड़ा है, उसको आप शॉर्टकट किससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेवंथ एट्थ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक्टिविटी देके रखी है, मैं बोल रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक में जितनी एक्टिविटी कुछ भी मत छोड़िए, ये सीधे आपको 2 से 3 मार्क में पूछेंगे इस तरह की एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर 2 एक्टिविटी देके रखी है, एक क्वेश्चन नंबर 9 में है और एक क्वेश्चन नंबर 12 में है,
ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, इनको छोड़िए मत, ठीक। और बात आती है टेंथ और इलेवंथ क्वेश्चन की, टेंथ क्वेश्चन भी कीजिए, टेंथ छोड़िएगा मत, ठीक। तो जितने ये क्वेश्चंस है इस टॉपिक में, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तो उसके लिए उस हिसाब से यहाँ पर देके रखा है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा जैसे मैंने बोला है, जो जो थ्योरम मैंने बोले वो अच्छे से कर लीजिए, पीपीटी अच्छे से कर लीजिए, कन्वर्स अच्छे से कर लीजिए, जो सिमिलर ट्राइंगल पर बेस्ड उनके एरिया वाला जो थ्योरम है वो कर लीजिए। तो ये बेसिक है जो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया है वो अच्छे से कीजिए। आई होप मैंने इसमें जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के पहले पहले सारे के सारे जो चैप्टर आने वाले हैं उनके क्विक रिविजन आपको मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।